हेलो राधे राधे, आज मैं जो पिज्जा वाली चीज़ होती है उससे मीठा पराठा बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए ये चीज़ को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। फिर मिठाई पहले इसके आगे और किसी भी टाइम बना सकते हैं आप घर में। और इसकी वीडियो डाली हुई है किस तरीके से मैं आटा गूंथती हूँ, तो आप वीडियो देख सकते हैं। आप चीनी का बना सकते हैं, मैं खांड का बनाऊंगी क्योंकि हम खांड ही यूज़ करते हैं, हम चीनी यूज नहीं करते हैं। तो ये खांड है मेरे पास, ऐसी बारीक बात है। अगर आपके पास चीनी है तो उसको थोड़ा सा पीस लेना मिक्सी में, और चीनी जो खांड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल। और गैस पे तवा चढ़ा दिया है, इसको मैं ऑन कर देती हूँ, गर्म हो गया है। तवा गर्म हो चुका है, पराठे को सेक अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसको मैंने चकोर से दी है और सारी चीज इसमें डाल दी है, और ये पराठा सिक गया इधर से। अब मैं इस पर घी लगा दूंगी, घी तेल जो भी आप खाना पसंद करें वही लगा लें। और बिल्कुल अच्छे से फूल गया है पराठा। बहुत ही टेस्टी वाला पराठा बनके तैयार हुआ और अच्छे से फूल भी गया है। पराठे को सेक अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने इनको इसको तो चकोर सेक दी है, उसको गोल सेक दी है। गैस को फुल कर दिया मैंने। आराम से उठाए क्योंकि बहुत सॉफ्ट बना हुआ है पराठा। अब मैं पराठे को एक जगह दूंगी, बहुत अच्छे से फूल गया है ये पराठा भी, और वो भी फूल गया था। गैस को सिम कर दिया मैंने।
बहुत गर्म है। बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट वाला कांटा बन के तैयार हुआ है और फूल भी अच्छे से रहे हैं और लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ही टेस्टी सीखा, दोनों साइड से दिखा देते हैं। दोनों पराठे बहुत ही अच्छे सीखे हैं, बहुत गर्म है, बिल्कुल टेस्टी वाली खुशबू आ रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। हाथ से तो ओपन होएगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। ये देखना, बहुत ही लाजवाब पराठा बना, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा टेस्ट आएगा, एक बार आप जरूर ट्राई करना। और बहुत गर्म है, चीज़ पूरी मेल्ट हो चुकी है और पूरा रस भरा पराठा है। ये भी अच्छे से दिखा देते हैं, इसको भी दिखा देते हैं आपको। लाजवाब पराठा बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल जलेबी में जैसे रस भरा रहता है ना, वैसे रस भरा हुआ है इसमें। हमारा रस भरा चीज़ पराठा बन के तैयार है, बहुत ही यम्मी यम्मी लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और चीनी भी बिल्कुल जलेबी जैसा लग रहा है, रस भरा इसके अंदर। और इसके अंदर भी दिखा देते हूँ मैं, यहाँ से ओपन किया था मैंने, बिल्कुल दोनों में पराठों में अच्छे से रस भरा हुआ है। तो भी बनाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी है किसी नए आइडिया के साथ। राधे राधे।